माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है, कहीं भी क्राइम होगा कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। नीतीश कुमार को फिर गुस्सा आ गया और इस बार गुस्से में नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा को भी नहीं छोड़ा। गुस्से में तमतमाए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में स्पीकर विजय सिन्हा को संविधान देखने की नसीहत देने लगे। अब समझिए कि नीतीश कुमार को गुस्सा आया क्यों। बिहार विधानसभा में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय में 52 दिनों में 9 लोगों की हत्या पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था। वो संबंधित मंत्री से पुलिस कार्यवाही पर जवाब चाह रहे थे। मामले में हंगामा बढ़ते ही सीएम नीतीश कुमार बेहद नाराज हो गए। वो सदन में हंगामा करने वालों को जमकर फटकार लगाने लगे। इसी दरमियान वो स्पीकर विजय सिन्हा पर भी बरस पड़े। नीतीश कुमार ने कहा कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। एक ही मामले को रोज रोज उठाने का मतलब नहीं है। सीएम और स्पीकर के बीच जोरदार बहस हो गई। नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले में विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी हम उस पर विचार करेंगे, देखेंगे कि कौन सा पक्ष सही है। सिस्टम संविधान से चलता है, किसी भी क्राइम की रिपोर्ट कोर्ट में जाती है, सदन में नहीं। जिस चीज पर जिसका अधिकार है उसको करने दीजिए। हमारी सरकार ना किसी को बचाती है और ना किसी को फंसाती है। सीएम के गुस्से से भरे इस बयान पर स्पीकर भी हैरान थे। स्पीकर विजय सिन्हा बोले, जहां तक संविधान की बात है तो मुख्यमंत्री जी आप हमसे ज्यादा जानते हैं, मैं आपसे सीखता हूं, लेकिन जिस मामले की बात हो रही है उसके लिए सदन में 3 बार हंगामा हो चुका है। मैं विधायकों का कस्टोडियन हूं और खुद भी जनप्रतिनिधि हूं। जब मैं क्षेत्र में जाता हूं तो लोग सवाल पूछते हैं। आप लोगों ने ही मुझे विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है, आसन को हतोत्साहित करने की बात ना हो। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है, कहीं भी क्राइम होगा कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। सीएम और स्पीकर के बीच बिहार विधानसभा में हुई इस गहमा गहमी का वीडियो वायरल हो रहा है। राजनीतिक हलकों से निकलकर सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये गुस्सा कहीं राज्य में जेडीयू बीजेपी के गठबंधन के तनाव को तो नहीं दिखा रहा है। बिहार में बीजेपी जेडीयू की गठबंधन सरकार है। पिछली बार इस गठबंधन में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जेडीयू की कम सीटें होने के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन कम सीटें होने का दबाव उन पर लगातार बना हुआ है, इसलिए वो अपने लिए नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार मौका भांपते हुए कभी भी पलटी मार सकते हैं। पिछले महीने भी नीतीश कुमार के नई संभावना तलाशने को लेकर खूब चर्चा हुई थी, जब नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की डिनर पर मुलाकात हुई थी। हालांकि नीतीश कुमार ने ये कहते हुए बात को टाल दिया था कि प्रशांत किशोर उनके पुराने दोस्त हैं। प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन एक राजनेता और एक चुनावी रणनीतिकार के बीच मुलाकात हो और राजनीति पर चर्चा ना हो, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। वैसे भी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई है।
इसलिए नीतीश कुमार के गुस्से को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार बीजेपी के कोटे से स्पीकर बने विजय सिन्हा पर अपनी खींच उतार रहे हैं। कोर्ट पर इंक्वायरी करके सजा देगी, आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। नीतीश कुमार की बेचैनी बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की दास्तान बयान कर रही है। विवेक आनंद, TV9 डिजिटल।